केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश की हालिया यात्रा पर चीन की टिप्पणी को भारत ने दरकिनार कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम चीनी आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और रहेगा। वह हमेशा भारत का अभिन्न अंग बना रहेगा। उस पर सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार है। अरुणाचल प्रदेश के दो दिन के दौरे के अंतिम दिन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। अमित शाह ने मंगलवार सुबह वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सेना ने इस स्मारक को तैयार किया है। भारतीय सेना और चीनी पीएलए के बीच 1962 में हुई वालोंग की लड़ाई में शहीद हुए जांबाजों की स्मृति में ये बनाया गया है। ये लड़ाई पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में चीनी आक्रमण के खिलाफ भारतीय सेना की तरफ से बहादुरी, हिम्मत और बलिदान का एक शानदार उदाहरण थी। भारतीय सेना के बहादुरों ने 27 दिनों तक पीएलए के आगे बढ़ते सैनिकों को रोके रखा, जिससे उन्हें तवांग सेक्टर से वालिंग तक अपने रिजर्व डिवीजन को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शाह ने कहा कि शहीदों का ये बलिदान देश याद रखेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। अमित शाह ने भारत चीन सीमा से सटे अंजाव जिला के किबितू गांव में मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं अन्य नेताओं के साथ बैठक की। अमित शाह के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चोना मीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ब्यू राम वहगे, अरुणाचल प्रदेश सरकार के मंत्री बमांग फेलिक्स, सांसद तापीर गांव एवं विधायक दासंगलू पुल आदि मौजूद थी। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास के लिए संकल्पित है। दौरे के अगले चरण में अमित शाह असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे। अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया। शाह ने कहा कि भाजपा संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है और कार्यालय भाजपा की सभी गतिविधियों का केंद्र होता है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है। अभी अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 राज्यों के चुनाव हुए। तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा असम की 14 में से 12 सीट जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में भाजपा 300 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाएगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे पूर्वोत्तर में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विकास को आगे बढ़ा रही है, शांति को सुदृढ़ कर रही है, सलामती को सुनिश्चित कर रही है। मैं कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, जरा कान खोलकर सुन लीजिए। 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आसाम की 14 में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से भारत के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। शाह का ये अरुणाचल दौरा काफी अहम था। सोमवार को ही अमित शाह ने अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबितू में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। यहीं से उन्होंने दुश्मनों को संदेश दिया था कि अब जमीन हथियाने का जमाना गया, आज भारत की सुई की नोक जितनी जमीन भी कोई नहीं ले सकता। इस बीच अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की टिप्पणी को भारत ने दरकिनार कर दिया है। चीन के आधिकारिक प्रवक्ता की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हम चीनी आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। भारतीय नेता नियमित रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य की यात्रा करते हैं, जैसे वे भारत के किसी अन्य राज्य की यात्रा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। इस तरह की यात्राओं पर आपत्ति करना तर्कसंगत नहीं है और इससे उपरोक्त वास्तविकता नहीं बदलेगी। चीन पहले भी अरुणाचल के बारे में टिप्पणियां करता रहा है और हाल ही में कुछ नाम भी बदले थे, लेकिन भारत हर बार साफ कर देता है कि अरुणाचल प्रदेश
हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सर्वोच्च अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश